Assalamu alaikum and a very warm welcome to Dr. Naushifa Salman and Skin Solutions. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत कॉमन इशू है और हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हैं वो इसको लेके आते हैं और उसके बाद हमसे डिस्कस करते हैं कि इसके लिए क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या किया जा सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि अंडर आर्म्स की डार्कनिंग हो जाती है, यानी कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं जैसे अंडर आर्म्स हैं और अंडर लेग्स हैं उसमें एरिया जो है वो डार्क कलर का हो जाता है या उसके ऊपर जो है वो इनग्रोन हेयर होना शुरू हो जाते हैं और जो डार्क कलर का एरिया होता है वो जाता भी नहीं है। वो क्यों नहीं जाता और उसकी वजह क्या है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शन ठीक भी हो जाए तो उसके बाद जो पोस्ट इन्फेक्शन आपकी पिगमेंटेशन है वो आ जाती है, जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं, वो पिगमेंटेशन होती है। फिर एक और चीज होती है कि अगर वजन बहुत ज्यादा है या अगर कोई हार्मोनल इशू है तो उसमें भी प्राइवेट पार्ट्स जो है या अंडर आर्म्स अंडर लेग्स का एरिया जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। इवन कुछ ऐसी डिजीजेस भी होती हैं हार्मोनल जिसमें ये डार्क होने के अलावा वेलवेट की तरह बहुत सॉफ्ट और थिक और उसके अलावा जो है वो डार्क कलर का हो जाता है, बहुत वेलवेटी सी इसकी टच होगी, जब हम हाथ लगाएं तो बहुत वेलवेट के कपड़े की तरह की टच होगी। बट ये तो डिजीजेस हो गई। अब हम आ जाते हैं कि इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर डार्कनिंग हो जाती है। जितने भी आपके जो है वो नॉर्मल कंटेम्प्ररी मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी वैक्सिंग है, जैसे आपकी थ्रेडिंग है, या उसके अलावा डेपिलेटरी क्रीम यानी कि हेयर रिमूविंग क्रीम जो होती है, ये सब चीजें जो होती हैं ये आफ्टर ए सर्टन टाइम जो है वो डार्कनिंग करना शुरू कर देती हैं। क्यों करती हैं? जब भी आप स्किन को खींचेंगे तो इन रिएक्शन टू दैट आपकी स्किन डार्क हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है और डार्क वैसे भी हो सकती है, बिकॉज आप फ्रिक्शन तो दे रहे हैं ना। जब आपकी फ्रिक्शन आ रही है तो फिर डेफिनेटली स्किन का एक रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन में वो ज्यादातर क्या करती है, वो यही करती है, जैसे फॉलिकुलाइटिस हो जाएगा, पिंपल्स बनना शुरू हो जाएंगे, इनग्रोन हेयर हो जाएगा कि अंदर की रुख के ऊपर जो है वो बाल उगता रहता है और फिर वहां पे एक छोटा सा लॉब्यूल सा बन जाता है, उसके अंदर से बाल भी नहीं निकलता, उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है, वो एक नया चक्कर बन जाता है। उसी तरह से अगर आप देखें कि जितनी भी हेयर रिमूविंग क्रीम्स होंगी उसके अंदर केमिकल्स तो होते हैं, उन केमिकल्स की वजह से इटसेल्फ बाल तो हट रहा है, ठीक है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स, लेकिन स्किन जो है वो डार्क होना शुरू हो जाती है या हो सकती है। अब हम आ जाते हैं कि ये एरिया क्योंकि बंद रहता है, टांगों के दरमियान वाला एरिया हो गया और बगलें हो गई, ये क्योंकि कवर्ड रहता है, बंद रहता है, तो इसमें इन्फेक्शन होने का चांस या इसमें फ्रिक्शन से डार्कनिंग होने का चांस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली दूसरी स्किन से जो कि एक्सपोज्ड रहती है, जिसको फ्रेश ऑक्सीजन भी मिल रही है, जिसको थोड़ी सनलाइट भी मिल जाती है, या आप उसका ख्याल भी ज्यादा रख लेते हैं और वो उस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह से ये ऑक्लूडेड पार्ट्स या फिर जो बंद रहने वाले एरियाज हैं वो बिहेव करते हैं। इसके लिए करना क्या चाहिए? एक तो जो मेथड आप यूज कर रहे हैं हेयर रिमूविंग के लिए आप पहले उसको चेंज करके देख लें, अगर उसको चेंज करने से बेहतरी आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो फिर द बेस्ट ऑप्शन वुड बी कि आप यहां से हेयर रिमूव करना ही बंद कर दें। तो क्या करेंगे, आप लेजर हेयर रिमूवल करा सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन है और उसके साथ साथ आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, आप देखेंगे डायलेटेड फॉलिकल्स नहीं होते, आपको बार बार फॉलिकल्स का इन्फेक्शन फॉलिकुलाइटिस नहीं होगा और उसके अलावा आपकी स्किन की डार्कनिंग रुक जाएगी क्योंकि आप फ्रिक्शन भी नहीं दे रहे और केमिकल्स भी यूज नहीं कर रहे। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि जैसे हमने बालों को रिमूव करने के लिए तो ये कर लिया, हम और तो नहीं होने देंगे, जो हो चुकी हुई होती है साथ साथ लेजर हेयर रिमूवल करने के साथ साथ आपको जो है वो डिफरेंट तरह के मेडिकेटेड रोल ऑन्स दिए जाते हैं जिनको आप यूज कर लेते हैं, जब आप उनको यूज करेंगे तो जो ऑलरेडी पिगमेंटेशन हुई हुई होती है वो हम ठीक कर लेंगे और नेक्स्ट हम होने नहीं देंगे क्योंकि आप वो वाला मेथड ही छोड़ देंगे जिसकी वजह से आपकी स्किन डार्क हो रही थी। तो आज का एक टॉपिक जो है वो हमने इसलिए चूज किया था क्योंकि हमारे पास जो है ये बहुत कॉमनली ये इशू आता है, पेशेंट्स हमसे डिस्कस करते हैं और उनको नहीं पता होता और वो वही वाला मेथड बार बार रिपीटेडली यूज कर रहे होते हैं जो कि उनका इशू बढ़ा रहा होता है, ठीक नहीं कर रहा होता। तो अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपनी स्किन का ख्याल रखें, खुश रहें।